प्यारी बिंदु की अगर बात करें, यशराज की जो मूवी आई थी, हाँ काफ़ी अच्छी बनाई है, फन और रियल लाइफ पे है और लास्ट में बहुत सेंटी मोमेंट है और स्टार्टिंग में एंजॉय है और मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी एंजॉय कर सकती है मूवी। दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी? दोनों की काफ़ी अच्छी, परिणीति चोपड़ा इज़ ऑसम, काफ़ी अच्छा किया और केमिस्ट्री बहुत ऑसम थी। 10 में से कितने मार्क्स देने चाहिए? 10 में से प्यारी बिंदु को 7 या ओके। मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी किसी की सच में रियल लाइफ से है, तो मतलब इसमें एक दर्द भी छुपा है कि एक राइटर की स्टोरी लगती है कि वाकई में ये स्टोरी रियल है। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? मैं तो 10 में से इसको 9 ही दूंगा मार्क्स, इतनी अच्छी है। एक साथ के हैं, मतलब ज़्यादा आगे पीछे नहीं जी, क्या कहना चाहेंगे दोनों केमिस्ट्री और दोनों एक साथ ही साथ? मुझे लगता है आयुष्मान ने अपना 119% तो दिया ही है और बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी है। परिणीति भी ने अच्छी की है एक्टिंग भी, लेकिन आयुष्मान ज़्यादा अच्छा खेल गया है। थैंक यू। कैसी लगी आपको प्यारी बिंदु? ये बहुत ही अच्छी मूवी है और अगर आप इसमें परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग देखेंगे, शी इज़ माई फेवरेट और बंगाली कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने, अमेजिंग, आपने देखना चाहिए। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहिए? 10 में से 7। थैंक यू। प्यारी बिंदु की बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप, कौन सी मूवी देख रहे हैं? मैं तो बाहुबली 2 देखा हूँ अभी, बाहुबली 1 देखा, उसके बाद 2 देखा वापिस से। तो प्यारी बिंदु नहीं देखा, बिकॉज इतना हाइप हो रहा है बाहुबली, तो एक बार सोचा कि एक बार देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। मतलब प्यारी बिंदु दब के रह गई है। हाँ, काइंड ऑफ ऐसा नहीं है कि लोग जा नहीं रहे उसके बारे में, जा रहे हैं लोग देखने के लिए, पर कंपेयर क्या करेंगे दोनों में? बाहुबली का स्टैंडर्ड अलग है, वो ग्राफिक्स, वो एक्शन, वो एक चीज़ अलग है। आई डोंट नो अबाउट दिस मूवी प्यारी बिंदु, मैं तो इसका स्टोरी भी नहीं सुना, सो नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल एक्चुअली। थैंक यू।